हैं कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और उनकी पूरे ही परिवार के लिए कितना मुश्किल समय रहा है बीते साल। जी हां, जब अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर की देर रात साल 2021 में शाहरुख खान के लाडले बड़े बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था, तकरीबन एक महीने तक आर्यन खान मुंबई की एक जेल में बंद रहे थे और अब इस मामले से आर्यन खान को धीरे धीरे छुटकारा मिलते हुए भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दौरान देखने को मिला है कि आर्यन के करियर पर काफी गहरा प्रभाव भी पड़ा है। ड्रग्स मामले के बाद अब आर्यन खान ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है आर्यन खान को लेकर। लेटेस्ट खबर जो आई है उसके मुताबिक खुलासा हुआ है कि आर्यन अब अपनी लाइफ में क्या कुछ करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। ड्रग्स मामले के बाद शाहरुख और उनका पूरा ही परिवार आर्यन के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी ड्रग्स मामले के दौरान आर्यन को सपोर्ट करते हुए नजर आए और अब आर्यन अपने फ्यूचर को लेकर लगातार कई प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो खबर सामने आई है, चलिए बताते हैं उसके बारे में। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और उनके पूरे ही परिवार के लिए साल 2021 काफी मुश्किलों से भरा हुआ रहा है। अक्टूबर के महीने में जब ड्रग्स मामले में एनसीबी की टीम ने आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया था, तमाम कोशिशों के बाद शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में राहत दिला पाई है। वहीं ड्रग्स मामले के बाद अब आर्यन खान के फ्यूचर प्लानिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हो चुका है। लेटेस्ट खबर जो सामने आई है उसके मुताबिक बताया गया है कि आर्यन अब अपनी लाइफ में क्या कुछ करना चाहते हैं। ये कई बार बता चुके हैं कि आर्यन खान को एक्टिंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। शाहरुख खान ने कहा था कि उनका बेटा फिल्म मेकिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, उनकी दिलचस्पी है फिल्म मेकिंग में। वही काफी लंबे समय से खबरें आती रही है कि आर्यन खान निर्देशन करेंगे, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो अब आर्यन खान अपने सपनों को पूरा करने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि आर्यन गुपचुप तरीके से कई आइडियाज पर काम कर रहे हैं जिनमें उनकी क्षमता है। इस पर वह फीचर फिल्म या फिर वेब सीरीज भी बनाई जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि जिनमें क्षमता है इस पर फीचर फिल्म या फिर वेब सीरीज बनाई जा सके। इतना ही नहीं, खबर ये भी आ रही है कि आर्यन खान जिस सब्जेक्ट पर काम करने जा रहे हैं उसमें से रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले एक अमेजोन प्राइम के लिए वेब सीरीज भी बनाई जा सकती है। जी हाँ, दूसरे पर फीचर फिल्म बनाई जाएगी। अमेजोन प्राइम के लिए जो वेब सीरीज बनाने की तैयारी की जा रही है उसमें एक कट्टर फैन की कहानी को दर्शाया जाएगा जिसका जीवन रोमांच से भरपूर होगा। हालांकि फीचर फिल्म को लेकर अभी तक ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई है। इस तरह से कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के राइटर्स रूम में आर्यन खान के साथ और भी मुद्दे पर बातें की जा रही हैं। आर्यन खान अब अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आर्यन खान अपने पिता की तरह फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग अंदाज में कदम रखने को तैयार हो चुके हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले ड्रग्स मामले के बाद आईपीएल ऑक्शन में आर्यन खान अपनी बहन सुहाना खान और जूही चावला की बेटी जानवी मेहता के साथ दिखाई दिए थे। आप सभी ने देखा जाना कि फिल्म इंडस्ट्री में आर्यन खान अपने पिता से हटकर बेहद अलग पहचान बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस तरह से आर्यन खान अपने फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर काफी ज्यादा अब अहम फैसले भी ले रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।